हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हैं आप सब लोग? होप यू आर फाइन। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ आलू के परांठों की रेसिपी। जी हाँ, जो कि सबके पसंदीदा होते हैं, लेकिन बहुत से लोगों के जो आलू के परांठे हो जाते हैं टूट जाते हैं, फट जाते हैं। पहले मेरे साथ भी ऐसे ही होता था, तो मैंने कुछ ट्रिक्स यूज़ की तो मेरे अच्छे बने, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं आप लोगों के साथ भी शेयर करूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर लीजिए ताकि मेरे न्यू वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए देखते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले मैंने लिए हैं 1/2 kg के अराउंड आलू, जिन्हें अच्छे से बॉईल करके रखा हुआ, और ये ठंडे आलू हैं, हम इसमें गर्म आलू का यूज़ नहीं कर रहे हैं। उसके साथ मैंने लिया है यहाँ अदरक और हरी मिर्ची, ये 5 से 7 हरी मिर्ची और अदरक है जिन्हें मैंने कूट लिया बारीक। आप अपने हिसाब से मिर्ची कम ज़्यादा कर सकते हैं, अदरक ऑप्शनल है, अदरक अच्छी लगती तो मैंने डाली है। उसके साथ 1 कटोरी मैंने ली है बारीक कटे हुए प्याज, और ये प्याज जो इनका पानी निकला हुआ है, साथ में स्वाद अनुसार नमक, जीरा पाउडर, अजवाइन और काली मिर्च। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं हम। सबसे पहले मैंने एक बड़ा बाउल लिया है, उसमें हम अपने आलू डाल देंगे। तो फ्रेंड्स, आलू डालने के बाद हम इसमें अब डालेंगे प्याज। जब हमने प्याज डालने हैं तो उसको अच्छे से उसका पानी जो है वो निकाल लेंगे, इसको निचोड़ लेंगे, और उसके बाद हम इसमें ऐड करेंगे हरी मिर्च और अदरक का जो पेस्ट हमने बनाया, वो मैं सारा पेस्ट इसमें डालूंगी। आप अपने हिसाब से तीखा कम ज़्यादा कर सकते हैं। अब उसमें हम डालेंगे हरा धनिया, आप चाहें तो थोड़े से बेजल्स भी डाल सकते हैं, उससे भी इसका फ्लेवर अच्छा होता। मेरे पास अवेलेबल नहीं था तो मैंने नहीं उसे ऐड किया। धनिया डालने के बाद हम डालेंगे अजवाइन। अजवाइन जब भी डालें तो उसे अच्छे से क्लीन कर लें, क्योंकि उसमें बहुत मिट्टी होती है जिससे परांठे बहुत ही बेकार बन सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखें, अजवाइन डालते टाइम उसे साफ़ कर लें। स्वाद अनुसार नमक डालेंगे अब हम। उसके बाद डालेंगे हम काली मिर्च पाउडर, काली मिर्ची भी ऑप्शनल है बट मुझे तीखा अच्छा लगता है तो इसलिए मैं डाल रही हूँ। उसके बाद हम डालेंगे ज़ीरा पाउडर, ज़ीरा पाउडर डालने से उसका टेस्ट जो है और भी अच्छा हो जाता है आलू के परांठे का। अब उसे हम अच्छे से मिला लेंगे, अच्छा सा इसका मसाला तैयार कर लेंगे आलू का। तो आलू के परांठे बनाने की पहले ट्रिक जो ये है मैंने आपको बताई, कि जो हमारे आलू के परांठे टाइम हम आलू लेते हैं वो अच्छे से ठंडे होने चाहिए। अगर हम गर्म आलू का मसाला बना लेंगे तो वो आलू जो है वो ढीले पड़ जाते हैं, जिस वजह से परांठा जो है फटने लग जाता है। और दूसरा, अगर आप उसमें प्याज डालना चाहते हैं, प्याज भी ऑप्शनल है, आपकी मर्ज़ी, आप डालिए, नहीं तो रहने दीजिए। अगर डालना है तो चाहे आप उसको अच्छे से बारीक काट लें और उसका जो पानी है वो निचोड़ लें, क्योंकि जो उसका पानी होता है वो आलू के साथ मिलकर आलू को ढीला कर देता है। हमारा मसाला बन चुका है। अब हमने यहाँ आटे का एक पेड़ा ले लिया है, पेड़ा या लोई जो अभी आप बोलते हैं वो ले लिया है। अब हम इसे बेल लेंगे, एकदम हमें चारों तरफ से एक समान बेलना है, कहीं से भी मोटा पतला इसे नहीं रखना है। जब ये हमारा अच्छे से बेल जाएगा, जितना हमें डिज़ायर चाहिए आप अपनी मर्ज़ी से छोटा बड़ा रख सकते हैं, देन हम उसमें आलू का जो मसाला है वो उसकी फिलिंग करेंगे। फिलिंग आप कम या ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपको एकदम फुले फुले परांठे चाहिए तो आप उसमें थोड़ी कम फिलिंग डालिएगा, लेकिन अगर आपको हैवी परांठे अच्छे लगते हैं तो आप उसमें फिलिंग ज़्यादा डाल सकते हैं। मैं यहाँ पर ज़्यादा फिलिंग यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि जो परांठा आलू का होता है वो हैवी ही अच्छा लगता है। अब उसे हम चारों तरफ से घुमा कर बंद कर लेंगे, अच्छी तरह से हमें फोल्ड करना है। उसे एक बार और सूखे आटे में डाल के अच्छे से लपेट लेंगे। अब हम इसको पहले हाथ की हेल्प के साथ साइड में से फैलाएंगे, सेंटर में प्रेशर नहीं देंगे। अगर हम सेंटर में एकदम से प्रेशर डाल देंगे तो उसके सेंटर में से जो आलू हैं वो निकल जाएंगे। जितना बड़ा अपने हाथ से कर सकते हैं उतना आप उसको एक बार फ्लैट कर लीजिए। ध्यान रखिए कि साइड में प्रेशर दें, सेंटर में प्रेशर ना डालें। दोनों तरफ से कर लें। अब हम उसे बेलने की सहायता से बेल लेंगे। बेलते टाइम भी हमें ये ध्यान रखना है कि साइड्स में हम थोड़ा ध्यान दें और सेंटर में ज़्यादा प्रेशर ना करें। सेंटर से भी उसको बेलना है बट ज़्यादा प्रेशर नहीं देना उसे।
देखिए जो हमारा परांठा है वो अच्छे से बिल चुका है, एक तरफ सब तरफ से एक जैसा है, कहीं से भी मोटा या पतला नहीं है। अब हमने पैन को जो गरम कर लिया है, अच्छे से गरम होना चाहिए तवा, अब हम उसमें डाल देंगे हमारा परांठा और दोनों तरफ से हल्का हल्का अच्छे से सेक लेंगे। स्टार्टिंग में ही हम उसमें ऑयलिंग नहीं करेंगे। अब हम इसे पलट के देखेंगे, ये देखिए ब्राउन होना स्टार्ट होगा तो हमने इसको पलट दिया। अब जब दूसरी तरफ से भी पक जाएगा तब हम इसमें ऑयल लगाएंगे। मैं यहाँ पे ऑलिव ऑयल यूज़ कर रही हूँ, आप चाहें तो देसी घी के साथ भी बना सकते हैं या मक्खन के साथ भी इनको बना सकते हैं, ये काफ़ी अच्छे बनते हैं। अब अच्छी तरह से ऑयलिंग करके इसको हम सेक लेंगे क्रिस्पी होने तक। मुझे ऑयल थोड़ा कम लगा इसीलिए मैंने ऊपर की साइड और लगाया था। देखिए कितना अच्छा हमारा परांठा बना और हल्का हल्का ये फूल रहा है, आप देख सकते हैं साइड्स में। तो वही अगर आपको एकदम फुला हुआ परांठा चाहिए तो उसमें मतलब जैसे मैंने स्टफिंग किया उससे थोड़ी कम स्टफिंग कीजिएगा, मैं आपको कम स्टफिंग वाला भी एक दिखाऊंगी तो बहुत अच्छा बनता है। देखिए कितना अच्छा क्रिस्पी हो गया, तो हमारा परांठा तैयार है। बाकी के भी परांठे हम इसी तरह से बना लेंगे। परांठे बनाते वक्त आप एक चीज़ ये भी ध्यान रखिए कि जो पराठों के लिए आटा लें वो ज़्यादा सॉफ्ट नहीं होना चाहिए, मतलब जैसे रोटी का लेते हैं वो ज़्यादा बहुत मतलब सॉफ्ट होता है, उससे हल्का सा थोड़ा सख्त, यानी कि ज़्यादा हम सख्त रख लेंगे नहीं, हल्का सा ज़्यादा नहीं रखना है। उससे भी आप बना कर देंगे ना थोड़े सख्त आटे से, मतलब रोटी से जितना रोटी का मुलायम होता है उससे थोड़ा कम मुलायम, तब भी आपके जो परांठे होंगे वो बहुत अच्छे बनेंगे, एक बार ज़रूर ट्राई करके देखिएगा। तो ये देखिए फ्रेंड्स, ये जो मैंने परांठा बनाया वो मैंने हल्की फिलिंग के साथ बनाया है, इसमें ज़्यादा मैंने फिलिंग भरी नहीं है, तो कैसे एकदम से फूला हुआ बना आप देख सकते हैं, चारों तरफ से एकदम फूला हुआ जैसे हमारा फुलका फूलता है। तो बस यही है, इसमें मैंने फिलिंग थोड़ी कम डाली है, जैसे वहाँ उसमें 3 या 2.5 चम्मच डाल रही थी तो उसमें मैंने 1 से 1.5 चम्मच डाला है फिलिंग का। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं जो हमारे परांठे हैं वो बनकर तैयार हो चुके हैं, अब मैं इन्हें सर्व करूँगी। तो सर्व करने के लिए यहाँ मैंने दही ली है और उसके साथ परांठे, ये सिंपल दही का रायता है। तो अब देखिए मेरे परांठे कितने अच्छे से बने, बिल्कुल भी टूटे फूटे नहीं हैं। देखिए मैं आपको इसकी एक बाइट तोड़ के दिखा रही हूँ, कितने अच्छे से फिलिंग हुई है इनकी। और बस यही ट्रिक्स आप यूज़ कीजिए और मुझे ज़रूर बताइए कि आपको कैसी लगी मेरी रेसिपी, और प्लीज़ इसे लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।